क्यों मेरे शहनशाह दशा श्री जोर गुरु महाराज बाबा जी महाराज की कृपा ते सारे ही जिन्होंने उन्होंने वरसाया संत रूप चोला पहन के इस संसार पे आते रहे और पंजाब विच उन्होंने इतनी अपार कृपा का सदका है कि बाबा जी ने दरिया के किनारे ते भुखण पाने रह के बड़ा क्षमा मालिक अकाल पुरख के चरणों नाल लिव लाई उते सदके अज लखां ही व्यक्ति इस भाव सागर नू पार करने वास्ते उन्हां दे दसे हुए मार्ग के मुताबिक सुरत शब्द योग नू अपना के कुछ पहुंच चुकिया व्यक्ति कुछ रूह पहुंच चुकिया कुछ पहुंच रही है कुछ सत्संग दे विच मिल रही है कोई आने वाले समय च मिल लगियां और उन्हां दी इस अपार कृपा दे सदके असी अज उन्हां दे इस कदर धनवादी अक्षर नहीं कोई जिन्हां दे जरिए असी उन्हां दा धनवाद कर पाईए। असी सारिया संगत जानदियां ने पंज ग्राही तो अपरूट होए से अज तो करीब 7.5 साल पहला घर घर संतां दे वचन दे मुताबक उन्हां दा वचन पालदा रहा जिथे बाबा पैर धरे घर घर तीर्थ बन जावे उस महान वाक दी पालना भी होई। अज करीब और जून नू 7 साल पूरे हो जाएंगे कि उन्हां दी एक अपार कृपा दा सदका असीं इस काबल होए कि इत्थे बैठ के असी उन्हां दा गुण गायन कर सकते हैं। कुछ देर पहला इत्थे मौके सत्संग करदे हुए दास ने एक सच्चे पातशाह दे चरणां च बेनती कीती सी कि सच्चे पातशाह एक पीढ़ी जिन्ना थां बख्श दे जिथे बैठ के तेरा गुण गायन कर सकिए। साडे कोल कोई थां नहीं क्योंकि उह नथावियां दा थां है इस करके उन्होंने कार अपार कृपा का सदका असं इस काबल है कि अज संगत बैठने परमानेंट स्थान उन्होंने बख्शिश की। मोगे दिया कुछ महान शक्तियां जिन्होंने सानू सहयोग दिता उन्होंने असि बड़े धनवाद करते हैं उन्होंने क्योंकि गुरमुखां दे सदके बड़ा कुछ हो जाता और जिहड़ियां संगत अपने जरूरी कामां नूं छड के इस वक्त सत्संग च पधारियां ने उन्हां दा बहुत जबरदस्त शुकराना करदे हां। नवां साल है क्योंकि पंजाब दे जितने महात्मा होए ने वो इस चेत महीने तो ही संमत शुरू करदे हां। अज चेतर दे महीने दी संगरांद दा दिन है बड़ी अपार कृपा उन्हां दी दे सदका असीं उन्हां दे धन्नवाद वास्ते हाजिर हुए हैं। सब संगतां दी उन्हां दे चरणां च हाजरी स्वीकार हो रही है बड़े गदगद मन हो रहा है। एक पासे ये हालत है कि हंजू संभाले नहीं जा रहे कि तू किड्डा अपार है कि तू किसी दी डिमांड आउटस्टैंडिंग रहण दे नाल नहीं तू बड़ा समर्थ है तू समर्थ वड्डा पालिया किरत कनास तेरा गुण नहीं दे सकते सच्चे पातशाह तू वाकया ही शहनशाह का शहनशाह है जेड़ा सब कुछ दे सकता है। सो गुरु दरबार आई संगत चरणों में गुरु महाराज शहनशाह के चरणों में साड़ी पुकार है कि अज का महीना संग्राम का जो चेतर के शुरू हो रहा उहदे लई लख लख वधाई अते प्रार्थना है कि सच्चे पातशाह इस फलवाड़ी नूं हरिया भरिया रखना जिस तरह अपार कृपा करके आपने बख्शिश करके ये पौधा लगाया है ये जो फल भी लगन फुल भी लगन और इस दुनिया सारी दे विच आप भी महान कृपा दा मनारा चानन मनारा दूरों दूरों चमका मारे और सब संगत इत आके वरसा। वैसे तो कोई एडी नेसेसिटी नहीं सी मगर एक लायक बाप दे
पुत्र जिन्हों के सिर पर हथ रखते ने उन्होंने लैक ही कर देंगे ने, क्योंकि जिस तरह पारस खाली लोहे तो सोना करता है, संत संत बना देंदा है, उन्होंने छो का सदका ही है, बाबा जी की कमाई का सदका ही है कि संता ने उस परंपरा नूं रखते हुए श्री अजोर बाबा जी महाराज बाबा जमल सिंह जी जिन्हों का ब्यास की जो सत्संग की परंपरा है उन्होंने नाम से वो कॉलोनी का नाम है। असी तुच्छ बुद्धि द्वारा जिन्नी को उन्होंने सूझ बख्शिश की, क्योंकि उस दाणी जिहड़ी फुटी उस मुढ़ दे विचों उस दी याद विच इस स्थान का नाम श्री हजूर जमल सिंह जी महाराज, उन्हां दे शिष्य बाबा बग्गा सिंह जी महाराज, उन्हां दे शिष्य श्री हजूर महाराज देवा सिंह जी, उन्हां दे शिष्य प्यारे जिन्हां दा स्वरूप आप जी दे सामने है, क्योंकि पंज ग्राई जिन्हां ने मौज वरताई और असीं अज उन्हां दा इस विछोड़े दी स्टेज विच उन्हां दी याददाश्त विच बैठे हैं। उन्हां दा नाम श्री हजूर बूटा सिंह जी महाराज, उस फुलवाड़ी दे विच एक शरदा दे फुल अर्पण करना जाए ताकि उन्हां दी अपार कृपा द्वारा संगतां ते उस अमृत बूंद दी वर्षा हुंदी रहे सदा, और असी सारा ही सारिया संगतां नूं ये वधाइयां दिंदे रहिए। सो आप सब दा मैं बड़ा धन्नवादी हाँ। शुरू करन तो पहला नवे साल दा पहला सत्संग, वैसे तां जिथे एडी वड्डी अपार कृपा है और लखां जीआं नूं ग्रेट मास्टर श्री हजूर सावन सिंह जी महाराज, बाबा जैमल सिंह जी महाराज और उस तो बाद श्री हजूर चरण सिंह जी महाराज ने लखां ही व्यक्तियों नूं नाम की बख्शिश की और सब सुरत शब्द मार्ग नूं अपना के रूहां इस पाव सागर नूं पार कर रही ने। अज उन्हां दी उस महान कृपा नाल चली हुई परंपरा नूं सशोभित कर रहे ने श्री गुरिंदर सिंह जी महाराज। साडा लख लख उन्हां दे चरणां च नमस्कार और बेनती कि एक तुच्छ जी जिस तरह एक गरीब पुत्र हुंदा है वो भी कितने बैठता है पर नाम उहदा ही लैंदा है, क्योंकि उहदी रूट उत्थे है जिथों ये परंपरा चली और जिथे उन्होंने एडी अपार कृपा दे सदके एडा वड्डा यज्ञ रचाया और संगतां नूं इतनी कृपा दे जरिए वरसाया उन्होंने, उसी दी एक चंगाड़ी ये है जिन्हों मैं समझदा एक वड्डा विशाल एक थम बन के चमकदा रहेगा और सदा ही संगतां दे विच इहदा नाम भी रहेगा, क्योंकि जिहड़े कौमां जां व्यक्ति अपने बजुर्गों नूं भुल जांदे ने उन्हां दा नामो निशान मिट जांदा है। इस करके असीं इस तुच्छ जी जगह ते जिथे कृपा संतां दी होई है उहनूं श्री हजूर महाराज देवा जमत सिंह जी महाराज दे नां ने शुरू कीता। असीं इहदा नाम अज अज पहला ही सत्संग एक दिन पहला हाजरी भर गए सी कि संतां के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम शब्द छोटा जिहा लै के नमस्कार करके प्रसाद दी संगतां नूं बख्शिश करके गुरु महाराज ने अगे चलाई सी गल। सो असी बेनती सदा ही करदे हां कि साडा मुढ उही जिथे बाबा जमल सिंह जी महाराज ने बैठ के तपस्या की, इस करके इस तुच्छ जी जगह दा नाम संत जमल सिंह जी महाराज, संत बग्गा सिंह जी महाराज, संत देवा सिंह जी महाराज, संत बूटा सिंह जी महाराज, चौहान महान महापुरुषां दे नाम दा एक अक्षर लिया है जिहदे च असीं उहदा नाम रख्या है। संत जमल सिंह जी दा जे रख्या, महाराज बग्गा सिंह जी दी बी रखी है, महाराज देवा सिंह जी दी डी रखी है,
महाराज बूटा सिंह जी की फिर भी रखी है। असि नाम इस करके इस तरह बनया संत जेबी डीबी मेमोरियल राधा स्वामी सत्संग कर मोगा। ये मोगे दे संगतां नूं लख लख वधाई के असी जिस परंपरा दे विच तुरे आ रहे सी किसी व्यक्ति करके किसी सेल्फिश मोटिव की वजह ना उखड़े अज उही पौधा फिर बाबा जी महाराज ने अपनी कृपा द्वारा इत्थे लगा दिता। सो सब संगतां ने असी संगत दे चरणां च बेनती गुरु महाराज दे सत्संग तो करांगे। स्वामी जी महाराज का शब्द ला रहे क्योंकि ये लड़ी उन्होंने चलाई उन्हां दी कृपा द्वारा जो इस नवे साल प्रति उन्हां दा शब्द उत्थे शुरू कर दे जरा प्रेम पूर्वक क्योंकि बड़ा कीमती समा छड के असीं आए हां और उन्होंने चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पण करनी। सो मेरी बेनती है मैं समझदा कि सब संगत ही कुछ समझ के स्वीकार कर ली। बाणी स्वामी जी महाराज चेत मास दसवां चेत महीना चेत बांदा सतगुर पामे सेत चेत महीना सतगुर पामे सेत। बाबा जी महाराज तथा इस तरह मैं बेनती की सब संतान के चरणों चाहे वह ब्यास ने चाहे वह दिल्ली ने चाहे वह किसी होर स्थान पर ने मेरी हाथ जोड़ के सब के चरणों नमस्कार श्रद्धा के फुल। सो उन्हां नूं एड्रेस करदे हुए स्वामी जी महाराज का शब्द जो सानू व्याख्या करदा है कि फरमाउंदे ने जिस वक्त जीव नूं अत्यंत दुखी होई नूं इस भव सागर दे विच संत वेखदे ने उस वक्त फिर वह रहम बख्शिश लै के इस संसार ते आउंदे ने। साडे कोई हिम्मत नहीं कि इस भव सागर नूं पार कर सकीए। स्वामी जी महाराज का शब्द है राधा स्वामी तरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चतारी। सो उन्हां दी दया दे सदके वो इस भव सागर दे विच आके नर चोला पहन के आउंदे ने और जीवां नूं अपनी मुबारक जबान नाल अक्षरां दे जरिए हर एक लैंग्वेज दे विच वो चेतावनी दिंदे ने कि तैनू बई इत्थियां नूं लखां करोड़ां बरस हो गए ने हुण आपां अपने देश चलना तेरा देश जिहड़े देश दी मैं गल करदा तेरा देश भी उही है तू मेरा पुत्र है मैनू तेरा ममता आ गई इस करके मैं तैनू लैण वास्ते आया। सत्संग दी एक ऐसी कला दे जरिए अपने पवित्र वचनां दे जरिए जीवां दे हिरदे नूं मोह लैंदे ने सेवा का पुंज बनते ने सेवा खुद करते ने और जीवा नूं प्रेरणा देंदे ने कि किस तरह सेवा दे जरिए उस सत्संग की लड़ी नूं चलाउणा और संगतां दी सेवा करके असी विचे समुंदर का एक हिस्सा बन जाना और उहदे विच लहर बन के असी उत्पन्न होना और उहदे विच समाउणा। हुण स्वामी जी महाराज फरमाउंदे ने कि इस भव सागर दे विच सतगुरु ने नर रूप पहन के जिस वक्त आए साडे वर्गा क्योंकि इंसान इंसान का गुरु हो सकता है कोई उन्होंने समझा सकता कोई उन्होंने को समझ सकता है और कोई वाया मीडिया हो नहीं सकता कोई पंछी तो सानू सिखा नहीं सकता। इंसान का जिस वक्त जन्म होंदा असि सारे वेखते हैं कि माता ही सब कुछ सिखाउंदी इस करके स्वामी जी महाराज ने भी कहा गुरु महाराज दे इतने उच्चे वचन जो गुरु ग्रंथ विच अंकित ने की कहंदे ने की फरमाउंदे ने गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा साडी लख लख नमस्कार गुरदेव नूं जिस पदवी नूं गुरदेव सतगुरु करके कहा वो पदवी अक्षरां नाल बयान नहीं हो सकती। हुण जीव नूं दुखी हुंदे वेख के सतगुरु ने इत्थे नर रूप चोला पहन के आके संगतां ते दया कृपा कीती की कीता इस भव सागर दे विच इक पुल बना दिता जिस तरह रामचंद्र ने लंका ते चढ़ाई कीती
ਟਿੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੰਕਾ ਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੀਵ ਉਸ ਪੁਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਵਿਆਖਿਆ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕੁਛ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਗੈਦਰਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਠੀਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਕੁਛ ਆਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਛ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਕਮੀਆਂ ਆਖਿਰ ਹਨ ਨਾ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਲੀਕ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਈ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਥੋੜੇ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਟੋਲੀਆਂ ਹੰਸਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਾਰ ਲਾਲਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸਾਧ ਨਾ ਚੱਲੇ ਜਮਾਤ ਬਈ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੋਣੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲਾਂ ਚ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਿੰਘਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਟੋਲੀਆਂ ਹੰਸਨ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਾਰ ਹੰਸ ਕੋਈ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਟੋਲੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੇ ਹੰਸ ਇਕੱਲੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੱਚ ਦੇ ਨਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧੂ ਜਮਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਧੂ ਇੱਕ ਹੀ ਜੰਗਲ ਚ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਸੱਦ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੂ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੂਟਾ ਲਗਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਘਣੀ ਛਾਂ ਦਿੱਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਰੌਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਉਸ ਨੂਰੀ ਮੁਖੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕੀ ਪੈ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਗ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਸੋ ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਆਣਗੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨਗੇ ਸੋ ਜ਼ਰਾ ਤਵੱਜੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਆਏਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮਸਤਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਿਲਰਨਾ ਔਰ ਮਨ ਆਪਣੇ ਤਿਰਕੁਟੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲੇ ਔਰ ਸੁਰਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਵਜੂਦ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵਰਸ਼ਾ ਅਮਰਤ ਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਦਾ ਲਵੇ ਜੀ ਚੇਤ ਮੈਂ ਆਇਆ ਚੇਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਵੇਂ ਸੇਤ ਜੀਵ ਚਿਤਾਏ ਜੂਥੇ ਵਾਰ ਭਉ ਸਾਗਰ ਸੇ ਕੀਨੇ ਪਾਰ ਉਸ ਪੁਲ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਸ ਮਿੱਟ ਮੰਡਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਰਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆ ਬਈ ਪੁਲ ਜਨਰਲੀ ਸੜਕ ਬਣਾ ਤੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਭ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਜਿੱਧਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਚ ਅਗਵਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰ ਗਏ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ ਔਰ ਸਭ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਸਾਗਰ ਅਤਿ ਗਰ ਗੰਭੀਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਬਾਂਦੀ ਤੀਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਡਰਾਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਬੰਬੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਠਾਠਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਹਿਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਭ ਕੋ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਏਡੇ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕੈਸੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਧੀਰਜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖ ਜੋ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਰ ਚੱਲਣਾ ਤੈਨੂੰ ਡਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਆ ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇਰਾ ਕੁਛ ਵਾਲ ਵੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ
और तू जदों मेरे वचन नू मन के अंदर सुरत नू इत्थे जोड़ेगा उस वक्त चढ़ाई होनी शुरू हो जाएगी जी। तन मन धन की लई जगात एक उतारे गए कर हाथ। भाई सौदा की किया इत्थे आके उन्होंने तन मन धन की लई जगात। जिस तरह असि किसी शहर दे विच दाखल होना साडे कोई समान होवे उत्थे मसूर लैंदे ने सिख नू भव सागर पार करने वास्ते वचनबद्ध करते ने कि भाई ये जड़ा तन मन धन तेरा है हो मेरा है। इस प्रति कबीर साहब का महान वाक है पहले दाता सिख पया जिन तन मन अरपा शीश पाछे दाता गुर पया जिन नाम किया बख्शीश। ये को तन मन धन की जुगात कंडे भी दे मैंने तेरा मसूर लेना ही है सिर्फ तू मेरा मैनू अपने आप न सुरेंडर कर। शरीर तेरे वर्गा मेरा भी है मेरा मन भी है मेरे को पैसे भी है थोड़ा बहुत मैनू पेंशन मिलती है उदे नाल रोटियां मेरिया चल सकदी मैनू तेरे पैसे की लोड़ नहीं पर तू मैनू अर्पण कर अपने आप नू मैं तेनू वापस ही कर देना भी मेरा करके वरती है अपना करके ना वरती इहदा नजायज फायदा ना उठाई तू ते तेनू तेरी गारंटी मैं लैना भी तेन उस स्थान ते तेन मैं डक देना जी। सूरत बहे थी ना की तार पाए चढ़ाया गगन मंजार। हुण की हो रहा साडी आत्मा की बैठक अखां दे पिछले पासे उस स्थान नू छड़ के जद मन साडे नाल ला गया उहने नौ दरवाजे वाले पासे नू उल्टी तार थले नू वगाती। दो कन दो नासां दो अखां मूह इंद्री गुदा नौ दरवाजे वल नू असी दिन रात बह रहे साडी धार सुरत दी नीचे नू जा रही इहनू आकाश मार्ग वल नू मोड़िया डाइवर्ट किया एक दरिया है चल रहा इधर नू ईस्ट वल नू उहनू वैस्ट वल नू करता असी आए नू नीचे नू उतरे इस तरह इथो चुक के सानू उपर नू आकाश मार्ग तुरिया पाद वाले पासे नू करता। ये बड़ी उहदी अपार बख्शिश है इहदा मैं बेनती कर देना कि जिस वक्त सतगुरु नाम की बख्शिश करते नहीं असी कर्मा दे अधीन जदों नाम नहीं जपांगे उस वक्त की होएगा कि नाम का फल इंसानी देह ही मिलना होर दुनिया च बाकी कर्म मिल सकते। तुसी कुत्ते वेखे होने कारा ते चढ़े फिरदे बंदे उन्हां नूं नहाउंदे धोंदे सब कुछ करदे भई गदैलियां ते उन्हां नूं पाउंदे भी नहीं मगर इंसान नूं जमीन भी सौण नूं बड़ी मुश्किल होई पई है जगह ही नहीं कित्थे जावां मैं किधर नूं जावां। एक संतां दा परवाह चलाया होया कि उह बख्शिश करदे ने जिवें गुरुद्वारे बनाए धर्मशाला बनाईआं गुरु महाराज ने क्यों कि जिहड़े नथावे जीव ने इत्थे आके लंगर भी छकने थे आराम भी करने ये परंपरा इस करके चली हुई है। सो जीव नू अपना के वो कहंदे तेनू इधर नू बह रहा तू तेरा मैं रस्ता रुख मोड़ दें ते तेनू हेठा नू बहन की बजाय तेनू उपर नू कर दें जिदे जरिए तू अपने देश चल पेगा जिथो आप आए तू कानू इत खपी जाना ये ना संसार किसी का बनया ते ना कदे बनेगा। लखां ही साडे बजुर्ग आउंदे रहे लखां ही बजुर्ग साडे आउंदे रहे असीं वेखदे आं फरीद जी ने प्रोड़ता कीती है दी कित्थे तेरे मापड़े जिन्नी तू जणिया तेरे वेंदियां वेंदियां लद गए तू अजे ना पते तैनू अजे पता ही नहीं लग्या कल तेरा बापू सी अज है नहीं परसों उहदा बापू सी वह भी है नहीं इत्थों तक कि तीजी चौथी पुश्त तो पहलां दे जिन्ने साडे बजुर्ग होए ने सानू ना दी याद नहीं क्योंकि वरतों च नहीं आ रही गल कोई हो मैं कहना नहीं पंजे उंगलां बराबर नहीं अपने बजुर्गों का नाम बहुत व्यक्ति होणगे जिन्हां नू पता है पर तीन चार पंज पुश्तां तो गांह किसी नू भी याद नहीं इही दशा है जिवें असीं हुण अज बैठे हुए साडे वांगू ही बैठे सी साडे वांगू काम करदे सी साडे वांगू उहनां दी इंपोर्टेंस सी उह कहंदे सी मेरे इतने बाहां दे विच बल है भी मैं ऐ नहीं ऐ कर सकदा कित्थे गए है ही नहीं सुपना नौवीं पातशाही ने कि इह जग तूए का पहाड़ बई इह संसार
ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਗੇ ਰੇਤ ਦੇ ਟਿੱਬੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਵੇਖਦੇ, ਉੱਥੇ ਚਮਕ ਪੈਂਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਆ ਉੱਥੇ, ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕੁਛ ਪਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਉਦੋਂ ਗਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੇ ਧੂਏ ਦੇ ਪਹਾੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪਟਕ ਪਟਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਈ ਵੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਹੁਣ ਏਡੀ ਬੇਸਬਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ? ਉਸ ਬੇਸਬਰੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਵਿੱਚ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਗਰ ਸੰਤ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਬਈ ਤੇਰੀ ਗ੍ਰਿਸਤ ਆਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ, ਪਰ ਭਜਨ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਖਾ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਉਨਾ ਹੀ ਛੱਡ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਤੂੰ ਰੱਜ ਜਾਏਗਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ, ਉਦੋਂ ਚੌ ਉਦੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਜਿਉ ਜਲ ਮੇ ਜਲ ਕਮਲ ਨਰਾਲ ਮੁਰਗਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨੇ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗ ਪਵਜਲ ਤਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਡ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ, ਵਰਨਾ ਤੇਰੇ ਖੰਭ ਲਿਪਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਛ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਗਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਸਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਨੇ, ਗੁਰਗੋਪਾਲ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦਾ ਗੁਰਦਿਆਲ, ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ, ਸਦਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ, ਵੇਖਦਾ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸੁਰਤ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਂ ਜਾਊਂ, ਖੋਰੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰਦਾ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਰਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਟਦੇ ਜੀ। ਗਗਨ ਜਾਏ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਤਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤਨੀ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵਲ ਛਲ ਵਾਲੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਇੱਥੇ ਆਏਗੀ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਦਿਸੇਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈਣ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੈਠਦਾ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨੂਰ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਸਰੂਪ ਵੀ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੈਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੀ ਵੀ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸੇ ਕੰਮ, ਰੈਸਟ ਮੈਨੂੰ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਨੂਰੀ ਜੋਤ ਮਿਲੇਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਅਰਮਜੀਤ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਲੱਗਿਆ ਆਣ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਰੱਖਣਾ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕਾਗਰ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਅਗਵਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਜੋਤ ਨਿਹਾਰੇ ਦੇਖੇ ਤਾਰਾ, ਬੰਕ ਨਾਲ ਕਾ ਖੋਲਾ ਦੁਆਰਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੋਤ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤਾਰੇ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਅੰਕਤ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਰਾ ਚੜ੍ਹਿਆ ਲੰਮਾ ਕਿਉਂ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲਿਆ ਰਾਮ, ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਸ਼ਬਦ। ਉੱਥੇ ਤਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਰਾ ਫਟੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ, ਵਰਨਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਫਟੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੋਤ ਤੋਂ ਗਾਂ ਉਹ ਤਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੰਕ ਨਾਲ ਆਏਗੀ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ
कोई कंप्लीकेटेड भी नहीं, पर सतगुरां दी अगवानी दे विच बड़ा सरल है, क्योंकि वो जानते ने और रोज का सफर बयान कर रहे ने भी भाई जब तू अमृतसर जाएगा इतों टिकट लेगा हरी के पत्तन पहले तेन जाना पाएगा उत्थे तेन भी तारा चढ़िया मिलेगा उत्थे तेन माइल स्टोन अगवानी देंगे कि गां आए नू इन्ने किलोमीटर है। सो संत अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहे हैं, असी अभ्यासी हैं कहते हाँ अभ्यास असी करते हैं, मगर इस रस्ते की खबर सानू नहीं भुल जाने याद नहीं रहा, क्योंकि असी बाल गोपाल जी फस गए इस दुनिया के साजो समान तुलझ गए, सानू इतना ही कर लिया किसी के घर सोना जहा बैड वेखे होने फाए चढ़ जाना भी यह बैड का लैके छड़ना भाई गुजरान असी कल इतने बैठे रहे रड़ा मैदान ही सी असी रड़ा मैदान ही हर समय कहते ने भी इन्ना ही रड़ा मैदान होर कि डेरा केड़ा यही डेरा इतना ही इतने बैठे रहे बड़ा जी इतने लग्या बड़ी संगत भी इतने जिड़ी संगत भी आई उही काम लग जाता रहा। सतविंदर सिंह ने बड़ी कालना की और सानू इस योग करता भी असं इतने बैठने जोगे तरसेम लाल जी है अपना तिलकराज जी है इन्होंने बड़ी कालना की धन्यवाद करते हैं क्योंकि संत दे कारज वास्ते संत के कारज आप खलोया इन्होंने विच वड़ गया हर काम करावन आया राम तो बुद्धि प्रेरणा देती कि चल भाई टोकरी चक तो करे काम तो कल संगत आनगे तो जी लगेगा देख कितनी मालक की वर्षा कैसे होएगी वो अपने आप भाग बन। सो असी साध संगत न प्रेम पर सतगुरु के वचन की पालना करते हुए अंदर जोड़ना है इतने हूँ उत्थे इस वक्त जोत तो बाद असी अगे गए उत्थे तारा चढ़िया लम्मा क्यों नजर निहालिया राम हूँ अगे आओ कि किवें अंदर जाना उदे जी सुना शब्द गुरु का घाट निहारा हूँ जोत का जो शब्द है तुहानू पता ही भी जोत निरंजन शब्द संत दस दिंदा हुक्म तो नहीं मगर जदों वो गल आउंदी है उस वक्त कस्तूरी खाम खाई खिंड जाती साडे बस दा रोग निरंजन हूँ की कहते नहीं कि ओंकार शब्द आ गया उत्थे स्वामी जी नहीं पढ़ता रख रहे स्वामी जी सामने कह रहे असी तो उन्होंने वचन नू एक सतगुरु की मत द्वारा वेख रहे हैं भी की कह रहे सतगुरु वो कहते नहीं बई उत्थे आके ओंकार शब्द की तो नहीं हो रही है हूँ किधर ले जाएंगे अगे दस देंगे भी हूँ बई अगे की आएगा क्योंकि असी जी टी रोड चढ़े हुए हैं हूँ कार साड़ी चल रही है और सुरत साड़ी उदे ते सवार होके फासला तय कर रही है जी। छोड़ा मन अब चेती सूरत त्रिकुटी चढ़न रखी गुर मूरत उस स्थान तो अगे क्यों जदों फटिया की होया त्रिकुटी का स्थान आ गया बंक नाल दे जरिए विचों दी पार हो रस्ता वो जेड टाइप है पहलो आई है फिर डाउन है फिर अपवर्ड है उत्थे तिमरखंड भी उन्होंने क्या है क्योंकि अंधेरा बड़ा है सतगुरु की पर चताई हुई रूह न रोशनी भी क्योंकि सतगुरु अगवानी करता है सतगुरु आपकी सुरत न लाइट दिता है उत्थे उन्होंने परचे भी दिता कि तू डरी ना तू नेरे नूरे तो डरी ना जो तेन मेरा चमकारा पाएगा तेन कहदा डर उत्थे मैं तेन संभालने वाला खड़े है हूँ की कहते ने त्रिकुटी दे विच जाके मूर्त निहारी कदी असी इतने कहते ने महाराज जी दर्शन नहीं होंगे बी सुरत न इतने ले जाना पेगा होर कोई रस्ता नहीं आई एम सॉरी देर इज नो अदर आल्टरनेटिव बी कोई रस्ता होंगे संत कोई गुप्त थोड़ा रखते होर कोई रस्ता नहीं बी जाना उस राह ते पेगा सजनों चाहे अज चल पाओ ते चाहे छिया महीने में चल पाओ जाना उत्थे ही पेगा होर कोई सत झूठ है नहीं होर बैकडोर है नहीं भी तू आएगी ना ये बैकडोर ही दसिया कि इस बैकडोर तो तू आ जा मैं तेरे नाल होऊंगा उत्थे सतगुरु की मूर्त मिली है इत्थे नहीं मिली इत्थे है सरगुण रूप उन्हें रखिया वाया मीडिया जिम्मे आ मेरे मूहरे रख दिता इस तरह ये रखिया वो ब्रह्म बोलता है ब्रह्म बोले काया के बोले काया बिनु ब्रह्म क्या बोले बोल नहीं सकता क्योंकि मैन इज वाया मीडिया ऑफ दैट ब्रह्म वो ब्रह्म का वाया मीडिया उसके जरिए जीव ते बैठ के ब्रह्म बोलता है जब तक कि काया पाउंदा नहीं उतनी देर वो दस नहीं सकता ब्रह्म इज विदाउट एक्सप्रेशन
बगैर वो दस नहीं सकता इस देह दे। जब स्पीकर नहीं मेरी आवाज उत्थे नहीं जानी। इस तरह ये विच बैठ के वो ब्रह्म ज्ञान कर रहा सतगुरु नर रूप पहन के चोला इत्थे आके जीवन चता रहे क्यों भाई तुहानू मैं दसा अंदरली गल ते हुण तुसीं जाण वाला काम करो ते मेरे नाल रलो ते आप चली आ जी। गुर चेला मिले आगे चाली मान सरोवर शब्द समाली। सतगुरु का नूरी स्वरूप भी जेड़ा सरगुण रूप है वह भी मुबारक क्योंकि वो मिलिया तो सानू शब्द की लखता जीव द्वारा उन्हें साडू लैंग्वेज साडी वाली बोल के सानू समझा वरना असी शब्द नू फड़ नहीं सकते। मगर वो कहंदे की है भाई शब्द तेरा गुरु जड़ा हो गया तेरे नाल सुरत दे चल पिया शब्द तेरी अगवानी ला गया कर तू फिर अंदरले रस्ते ते चल पिया मन नू तिरकुटी च ले जाके छड़ू और कली रूह तेरी जिन्हों असी सार शब्द के जरिए कहने उपर चढ़ूगा। इतने जे किसी नू माड़ा मोटा लब जाती है ना कोई गल किसी वेले पिया लम्मा ही है पर सतगुरु की दया के जरिए इतने कोई शब्द सुन जाता कहता हम तो शब्द सुनते हैं वो नहीं ये बात नहीं भाई बाहोश अंदर जाना है चौंकड़ी साड़ी लगी होएगी साड़ी सुरत लिव लगेगी पहले लिव के जरिए असी समाधि जाना उस वक्त ते गर्दन झटका लगेगा और झटके के जरिए प्राण आत्मा तो वखरे हो जाएंगे इनू पता भी नहीं लगना भी कितने बैठा इसकी चौंकड़ी लगी रहेगी मगर इसकी सुरत उपर उठ जाएगी जो उठ गई एक बार है वह गल जदन मर्जी कर लो चाहे अज कर लो चाहे भी वरिया कर लो करनी है पैनी क्योंकि रस्ता है टेढ़ा इस करके इनू कहते ये जो बैठता है इनू नेरा नजर आंदा बहर भजे आंदा न्याणे नू किसे नू डराउणा होवे उहनू कहिंदा तैनू कोठी च बंद करांगे वो डरदा भी मैनू उत्थे खौरे सप खा की करूं ये बहिंदा ही नहीं ये जांदा ही नहीं उस राह ते अखां बंद करदा कहिंदा नेरा ही आंदा तां कोई पता नहीं लगदा। सो थोड़ा सतगुरु दे वचन च सतगुरु का करो भरोसा फिर करो ना कुछ अफसोस उहदा भरोसे ते आओ वरना होर कोई रस्ता नहीं जो भरोसा करांगे उहदा भरोसा ही नहीं जिस भरोसा ही नहीं भी उत्थे सत्संग होएगा जो की पता फिर कित्थे जगह नहीं उहदा भरोसा करो फिर करो ना कुछ अफसोस करन दी जरूरत नहीं भी तुहानू उत्थे अवश्य मिलेगा उत्थे फिर शब्द ने इहदी सुरत नूं संभाल लेना जां सतगुरु दे नूरी स्वरूप ने समझा लेना उहदे नाल अगवानी करनी उत्थे दर्शन होएगा। उहनूं कहिंदे एस्ट्रल फॉर्म है वो नूरी स्वरूप है जिहनूं वेख के ऋषि मुनि मूर्छित हो गए जी। कलयुग दे विच आ के दया कृपा द्वारा उन्हें इन्नी रहमत की है कि मैं तेनों बाहोश लैके जाऊ बेहोशी च नहीं भी तू भी बेहोश होकर डिग गया पता कुछ नहीं कितने ही व्यक्ति ने जेडे बीमार हो जाते ने कई कुछ हो जाता है इधरों बेहोशी होंगी है मगर अंदर बाहोश अंदर सतगुरु आंदा है कहना तू चिंता ना कर तू तरवास रख मैं तेरे कोल ही तेन कुछ नहीं होना छोटी रहमत सतगुरु की आद सतगुरु कौन है शब्द है शब्द की अगवानी करनी शुरू कर लेंद और इन तरवास दे दिता भी मैं कुछ नहीं मरदा नहीं जी। हंसन साथ करी जाए यारी सुरत सखी हुई सबकी प्यारी। ये तुम सतगुरु ना बोस करी जाए यारी सुरत सखी हुई सबकी प्यारी। तुम सतगुर ना दोस्ताना बन गया यारी लगी ओ देना की प्यार उदा आ गया प्रेम आ गया फिर कहंदे सारिया ही सुरता इन चंगिया लगन लग गई क्योंकि सब ची अनुभव लग गया कर हुण कहंदा तू तेरा परछावा मैनू पिया कि तेरा लड़ मेरे ने लग्या किवें बस तू मैनू समझा पर हो के नहीं बैठ सकता हुण तां इह दशा फिर की फिर सब नाल ही प्यार पै गया क्योंकि सतगुरु नाल प्यार हो गया हाथी के पांव में सब का पांव क्योंकि उन्हें सब ने यारी भी ला दी ये भी मैं है आ भी मैं है ये भी मेरे चिताया हुआ है आ भी मैं है और सब कुछ ही मैं ही मैं फुर्त हो तो कुछ है ही नहीं जी। जब मैं था तब तुम नहीं अब तुम हो हम ना प्रेम गली जाती सौकरी ता में दो न समाए हमें मारी जानी हमें नाल साढ़े बड़ी बैठी जेनू कट के बाहर छड़ दिए तो सतगुरु सामने
यही दूरी है, वो तो कुछ नहीं, बीमारी एक को या टीबी की बीमारी सब नु लगी हुई, उन्हें सब नु ला रखी है, क्योंकि उस अकाल ने काल नु इस सब कुछ रूह का भंडार सौंप के आ सब कुछ पंगा साढ़े वाली खड़ा कर दिया और नाल वरदान देते कि इन्होंने नप के रखे। हर ने पांच चोर दिए साथा, गुर ने ले छाया ना था, उन्होंने रहम आया कि इन तो नहीं छड़ना, उतों ऑर्डर है कि इनू लुट आ तेन देते पंज काम क्रोध लोभ बोहकार इन्हों खा जा छो ना। एक सतगुरु है दया करके उन्होंने चोरों तो सू छा बख्शदा, वो गुण ऐसे दे दिता जो मुकाबला कर दे, संतोख दे दिता, सत दे दिता, तीरज दे दिता, क्षमा दे दिता। इतने इन्ने कौड़े कि कोई किसी ने माड़ी जी गल की उन्होंने दस सुना के छड़ दें, भी तू फस गया अज करखा मेरे ना गल, असं टेलीफोन पर फस जाने कई बार गल कख बने, असं खिमा भी मंगते भी सच्चे पातशाह इतों तक कह दें सच्चे पातशाह सानू माफ कर देना, क्योंकि वह सच्चा पातशाह उसके बीच भी है, असं उस तो खिमा मंगते हैं सच्चे पातशाह साढ़े तो दया कृपा करें, मैं अणजान मैं भुल गया चेता नहीं कर जी। शहर में कुछ दिन बसी फिर चढ़ऊ कर आगे तसी। देखो किस तरह माइलस्टोन क्रॉस होंगे जा रहे, क्योंकि गड्डी बड़ी स्पीड वाली, सतगुरु नाल है, उसका कैप्टन ही बड़ा एक्सपर्ट है, वह तो उड़ा के नहीं जा सकता। हूं उस तो गांह की होया सुन शहर में जाके बसी, सुन कड़ा दसवां द्वार इतने बी चिट्टी रोशनी है, सन दस दिन कि उत्तर बारह बजे सूझता हूं जिन्ना प्रकाश है इन्हें रोशनी सुरत न अंदर जाके मिलती है, जिथे मर्जी तरफ रहे इन प्रॉब्लम कोई नहीं, जोड़ा नेरा इन पहलो दे कितने गया, जिथे प्रकाश नहीं उथे नेरा है, नेरा वस्तु कोई चीज नहीं, जिथे लैंप जा बिजली की रोशनी नहीं उथे नेरा है, जो वो जग गई उस वक्त नेरा तो कोई रहा नहीं, उठ गया पता नहीं कितने भज गया, मेरे की कोई वजूद नहीं, मेरा अग्ञान नु क्या तेनू अग्ञान का पर्दा छा गया, इस करके सूरज तेनू दिसदा नहीं। गुरु महाराज ने तुलसी साहब ने फरमाया है घट में सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी यह संसार को पाया मोतिया बिन तेन मोतिया होगा, यार हो तेन गल कुछ नहीं, वो पर्दा उतो सतगुरु छिल के ला दे, तू एनक तेन दे देनी, तू वेख ले तेन सब कुछ वड्डा वड्डा नजर आएगा, हूं दीदा नहीं वो बदल छाया होया, उस नेरे नु सतगुरु के ज्ञान ने कटन, जो कटता उस वक्त की उस बारह बजे सूरज के प्रकाश वाली थान दसवें द्वार तो सूरत चढ़ के चले जी। मां सुन एक नगर हूं उस तरह के मंजिल फिर बदल गई, हूं कहते सुन सी वह महासुन जिन्हू तिमर खंड के उतो बड़ा नेरा आत्मा का दसवें द्वार इनान करने तो बाद बारह सूरज का प्रकाश मस्तक ते आंदा, मगर तिमर खंड के अंदर जो जाता कम नहीं करता प्रकाश, उथे नेरा ही होना, तिमर मत इतना घोर अंधेरा है कि इतने बारह सूरज कख नहीं खोते, टटाने जिनी भी उसकी रोशनी नहीं, वो अपना रस्ता नहीं लभ सकता, कहते वो स्थान ऐसा बड़ा लम्मा चौड़ा है, इस करके सतगुरु की गवानी तो बगैर कोई कहे वो एक किस्म का तुम कह लो भी ऐसा एक उन्हू कैमोफलेज किया हुआ उस चीज न अंदर वाली गुप्त रखा हुआ कि इन पता ही नहीं लगे अंदर जा ना सके, उसे सतगुरु पूरे तो बगैर अगे जाना इम्पॉसिबल जी। सुन जा चार गुप्त अति जीनी संत बिना कोई परख न कीनी, भाई उस स्थान देते कहते चार गुप्त धुना आ रही है, संत बगैर किसी ने कोई पता लगे नहीं, वो तो क्योंकि उसकी सूझ ही नहीं आई, अपनी रोशनी काम नहीं करती, सतगुरु की रोशनी मिली नहीं, इस करके वो गुप्त धुना जड़िया इन समझ नहीं आए भी गल की सी, ये गुप्ती वो को रही और नेरे नेरे च फसया रहा, वो सतगुरु की अगवानी के जरिए वो पता लगेगा कि इतने चार धुना गुप्त रूप के अंदरों मैनू सुन मिली और रस्ते दे मेरे पईया, सतगुरु की कृपा हुई जो दसवें द्वार नु पार किया उस महासुन दे विच वो जिहड़ियां गैबी धुनिया सी वह भी मैनू मिली जी।
अचिंत दीप तहदाए रहता, सहज दीप दस पालंग बसता। हुण कहंदे अचिंत दीप जड़ा है उस सज्जे पासे नूं, जिहड़ा जाऊ कोई डायरेक्शन दसो भी आए उस मोड़ मुड़ के तू गांह जाएगा, उत्थे तैनूं दरवाजा मिल जाऊ, उत्थे स्पीकर भी लग्या हो भी उत्थे संगतां भी होणगे तैनूं मिल जाणगियां। खब्बे पासे इधर अचिंत सी, उधर सहज दीप है खब्बे पासे। कहंदे उहदा विस्थार की है, दस पलंग। यह त्रिलोकी जिहड़ी है जिहनूं मृत मंडल है, स्वर्ग है, बकुंठ है, तिन्नां नूं त्रिलोकी कहंदे। इहनां दा इक पलंग दे विच घेर है, मगर वह जड़ा सहज दीप है वह दस पलंगे दस गुणा ज्यादा लम्बा चौड़ा विस्तार है। हूँ ये संतान की करनी है भी इन लम्बिया चौड़िया पर नशा भी दस दें, क्योंकि अंदर सुरत जाती सब देखती पूरी जा रही है जी। मेहमान दीप का संतोख दीप तेन महिमा की गा के दसा, उ संतोख दीप भी है, ओरी महिमा ए जाती है। जो असि महासुन च गए, महासुन की अवस्था है दसवें द्वार में जो टपे, उथे इधर अचिंत है, उधर सहज है, एक संतोख दीप भी है, ओरी महिमा भी कोई दसी नहीं जा सकती जी। निरत से कहीं निशानी, उस जगह दी कदे तुहानू मैं निशानी दसदा। सुरत और निरत, निरत दा काम वेखना, सुरत दा काम सुनना शब्द नूं। कहंदे उहदे जरिए तू जाके देख ला, मैं तैनू निशानी देती है गल, कोई मैं तैनू एवें नहीं आखी कोई गल, जो तेरी सुरत अंदर सुनतेगी, सतगुर दे चरण परसेगी, तैनू आ कुछ दिसेगा। तेरी सुरत वेखण वाली जिहड़ी अखां नूं देख, वो सुरत की अखा ने आखा नहीं, क्योंकि ये जिथे बिजली तारे रोशनी सूरज चंद नहीं है उथे नहीं, ये तो बगैर काम नहीं कर दी, ये काम कर सकती है, मगर वो जी अंदरली सुरत की अखा उधर मैं जाके देखू। कहने उसे सुरत नृत के नाल आ जरा कुछ तेन मैं दसिया, जाके देख लो उसे तेरे सामने है गल जी। एक निशान मत को गली जब सुरत नृत ने वर्क किया, उसे शब्द की धार भी आ रही है, उसे अखा ना दिस दिस भी रहा, बिजलियां चमक दया ने। कहकार जो तू उस रस्ते पे चढ़ेगा, सुरत अगे जाएगा, उसे पवर गुफा की रोशनी है तेन सच खंड के उत्तों भी होंगे, पवर गुफा भी तेन दस जाएंगे, तेरे सामने होगा, तेन लगेगा भी आ गया तो नेड़े गए। किसी शहर के नेड़े असं जाने हर कुप हो गए, रात को असं तुरते उठे, उत्थे निशानियां कि कुत्ते भौंकते सुन पड़ेंगे, असं समझ लें कि इत बस्ती है यार नेड़े, हूँ कोई दूर नहीं होता नेड़े जी। आगे मैदान दिखाना सतलोक की कहते, तेन मैदान मिलेगा, उथे सचखंड आ गया, उथे सच पुरुष जोड़ा पुरुष पुराना है, जिन्हें आदम रंजन करके गया, जिन्हू राम राय करके गया, कहते वो उथे बड़ी देर का है, अज का नहीं, उन्हें लखा करोड़ों साल हो गया। गुरु ग्रंथ की बाणी पढ़ के देख लो, छत्ती युग तुम्बू कार बजते, गुरु नानक देव जी महाराज ने सिद्धा ने जुगावली सुनाई है, वो छत्ती युग दसे, जिन्हों चार चार युगों की चार हो नौकरी करने, जो नौ नौकरी करने, नौ नौ युगों का एक पुरशन है, नौ चौका छत्ती, छत्ती युगों की जुगावली सिद्धा ने गुरु नानक देव जी ने सुनाई, उसकी जायु भी लिखी, सब कुछ जन्म साखी चाहेगा, कोई साढ़े तीन करोड़ बन गई है, साढ़े तीन अरब, साढ़े तीन करोड़ नहीं, साढ़े तीन सौ पंजा करोड़, इतनी उन्होंने आयु इन्ना चिर उत्थे तुंडू कार ही गया।
उस तो बाद आ जड़े चार युग चल रहे गीता में लिखा है 43,20,000 साल उम्र है इन्हों की, सतयुग की उम्र है 17,28,000, उस तो अगे द्वापर युग होया तो 12,64,000, अगे फिर आया वो भी 8,32,000 है, फिर ये 4,00,000 कुछ होता, टोटल का मिलाइए तो 43,20,000 साल बनने दिखा पाया वो जो तो कैरव पांडव का समा से उस वक्त में 5,000 साल हो 4,27,000 साल चो अजे अस 5,000 ही अगे आए गां जाके पता नहीं साढ़ा की बन गया अजे तो 5,000 साल ही होए कलयुग लगे ने सब कुछ है वो अज का सृष्टि बनी हुई नहीं तो मालिक की रचना है पता नहीं कल की कर दे सब वो इख्तियार की गल है बड़ा कुछ अस अखबारों को लोग कोई भविष्यवाणी करना कोई कुछ करना अस रोज ही वेखते जो कल से अज नित नवा ही कोई एडा मतलब पंगा छिड़ जाता है कि साड़ी लाइफ रिस्क हो जाती है असं की करा अस बचाएंगे क्यों किन्नी आबादी चली गई अरब के नेड़े चल गई तो असं निके निके होंगे जो पढ़ रहे होंगे तो किताबा च लिखा जी 2.5 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान असी कनेक्ट हो गए कोई 200-400 साल के तो हुए नहीं 60-70 साल की उम्र के अभी वेख लिया 2.5 करोड़ तो 1 अरब तो पहुंच गई फिर वो रजा है पता नहीं की करी जाता कि बनाया जाता एक बिन से एक अस्थिर मां ने आश्चर्य कहा न जाई साधो रचना राम बनाई नवी पातशी ने फरमाया भी एक तो तुरै जाना असी 4 जने चुके लै जाने होंगे साड़े होने तो असी ही जेड़े चुकी जाने मुड़न की देर ही है असी कहने यार असी थोड़ा जाना यदा टाइम आ गया असू छटे असी तो नहीं जाना अजय साढ़े मन च गल बनती नहीं कभी आश्चर्य कथा है कि पता नहीं कदों कद की बने कोई ना जाने बिच कदों का किवें सी असी उस वक्त तेरी रजा तेरी रहमत असी बड़े भागों वाले हैं कि सतगुरु ने मनुष्य जन्म दे सानू आके ये सूझ बख्श दिती कि इतों निकल लई तेनू जो पुल बना के मैं दिता सुख शब्द वाला उस चढ़ जा तू निकल जा इतों वरना यह तो जमन मरण का देश है अज तू किसी होर जोनी च कल किसी होर चला पाएंगे जी निज पद पाए पुरुष से मिली देख गली आगे फिर चली निज पुरुष जेड़ा उसका दर्शन होया फिर उस तो अगे फिर गली दस तू उस तो उतो दैट इज नॉट द फाइनल गोल उत्थे जाके नहीं ठहरना उसी उदू गांह भी जाना स्वामी जी महाराज दस रहे ने जेड़े तोते ने उस रस्ते असी की दस सकते ये तो सतगुरु की मत तू गुरु की मत तू ले आने भगत बना डूबे दस आने जे अपनी मत का फीता उतो लाएगा आ नहीं खुलती जो सतगुरु की मत का फीता लाएंगे सारी खुल जाएगी तेरे सामने आ जाएगी तू चल के वेख तू अपनी मत छड़ दे कहना आपकी मत इत छिट जा मेरे को तू मेरी लै जा तमाशा दे मगर यदा ना मेरे जिदा सियाना ना कोई जमया तो ना कोई जमेगा तेन तो आना कुछ नहीं तू सारी जिंदगी किया समझा पास तू बनाया कि मेरे वास्ते ये गल जी अलक लोक में किया बसेरा अगम लोक जाए डाला दे जो वो मंजिल पार हुई फिर कहते अलख लोग शुरू हो गया उसे लखा करोड़ा सूरजों का प्रकाश जी वेखूगा सुरत दे मिर्त के जरिए वेखूगा नहीं पता लगना सब तो इर्त जाने में कित खत्म हो जानी उस तो अगर फिर की वो मंजिल जब पार हुई ओदा विस्तार भी बयान नहीं हो सकता स्वामी जी ने किया हदायतनामे भी सब कुछ रखा सा किन्ना लम्मा स्थान किन्ना उच्चा किन्ना चौड़ा की उसे झरने कितने खंड कितने ब्रह्मांड किमी उसे मरसा मरसा जड़ाऊ न कहते जड़ाऊ मछलियां तेन तैर दियां मिल गई उन्हें सरोवर दसवें द्वार की झलक कितने पै जाए खब्बे पास बहुत उच्चा जिमें ऑल इंडिया गेट है ईद वड्डा दरवाजा जी दे अंदर भी पानी अंदर एंटर होंगे और उनकी परिक्रमा भी जी नुकर कटी हुई गोलियाई है उसे सारे परिक्रमा के मंदिर ने उसे कीर्तन ही जनवाद हो रहा हूँ जोड़ा जाऊ वो ही देखेगा जोड़ा नहीं जाऊगा की देखेगा उस पानी की इन्नी चमक आख उत की टिकनी टिक ही नहीं सकती इतनी चमकीली है पानी की दशा
पर छला मार रहे सन, जड़ियां जूआ ओद स्नान कर दी हंस हो जाते जी। तो बाबा की क्या कहूं, अरब करब ससुर लजां। उस अगम देश की कहने शोभा की मैं तेन गा के दसा, उत्थे अरबा खरबा सूरज भी लज्जावान हो रहे भी साड़ी रोशनी तो मेरे कख नहीं, मोमबत्ती को नहीं बनी, जो सूरज दे के मोमबत्ती जगाने साड़ी रोशनी कोई काम नहीं करती। इतनी रोशनी उस स्थान दे स्वामी जी फरमा रहे हैं। गुरु महाराज जी उत्थे लोहे लोहे आकार जिग जिग हुक्म तुम तुम कार, उत्थे रोशनी है रोशनी है। जितने महात्मा है उन्होंने बाणी जो असं कंपेरिजन कर दें जरा कुछ और करने वही पीजा करना, किसी ने डिफरेंस रखा नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल मजमून है, वो अनुभव का मजमून जेड़ा जानता अंदर वो वेखदा वो उही कुछ कह उठता उठता नहीं जी। अबे नाम जारूप नामा संत करे जाए बेशरामा। भई उस तो अगे जो असी चढ़े कदे नामी देश स्वामी ताम है वह मैं तुम वर्णन विस्थार करके दस सकता, जितनिया धुना ने सचखंड तो उत्पन्न होंगे वो जेड़े स्थान उत्थे कोई धनी नहीं, उत्थे चुपचाप चल रहे, उत्थे रोशनी नहीं जाता अगे, उत्थे कोई आवाज नहीं है, उत्थे गुप्त है सब कुछ। सचखंड च आवाजा उठदियां और निचले स्थानों में आदि, इसलिए सतगुरु की दया कृपा द्वारा जिस रूह नूं अंदर जाण नूं चांस दिंदे ने अपनी गोद च बिठा के लै जांदे ने, उन्हां नूं वेखण वास्ते सब कुछ ठीक। चेत पाया बिस्माद नहीं जा बानी नहीं जानाद, उत्थे जाके जदों उस स्थान ते चले गए असि उत्थे ना कोई शब्द है कोई गल नहीं हो रही, उत्थे ना नादी है कोई म्यूजिक म्यूजिक कोई नहीं, म्यूजिक नीचे नहीं चला गए सचखंड तक है, उस तो गांव के ना नाद है ना कोई बोली है, उत्थे कोई बचन नहीं हो रहा। ये अवस्था है उत्थे के बड़े बड़े योजना उच्चे वृक्ष ने जिन्हों हंस कलोलना कर रहे ने, एक दे मन च ध्यान आया कि मैं तेन आ गल पुछदा। रोल करते ने बैठे ने हंस जड़िया रूह उत्थे पहुंचिया हुई ने, उन्होंने एक दूजे ने गल करने की लोड़ नहीं, मन च विचार किया भी आ गल कि आए वो मन च आ जाती। साध स्वामी जी ने लिखा सी वो स्थान वेखन के काबल है, असं इतने बैठे हैं असी गंध च फसे पे हैं, असं इन्हू छड़ांगे तो स्वामी जी ने कितना सानू हीरिया मोतियां नालों भी उच्ची अवस्था के सू बचा दिता जी। आदन अंत अनंत अपार संतन का वह निज दरबार, बेहोदा ना कोई अंत आउंदा ना कोई आद दा पता लगदा है, संतां दा वो निज दरबार निजी दरबार संत उत्थे लाउंदे ने, उत्थे मीटिंग करदे ने संत बैठ के कि हुण वी कहिंदे आ कि दीवारी है वो, फिर इस तरह उसके हुक्म अनुसार इत कम चलता है। उतों उतर के आते ने जिथे जिस परती गुरु महाराज स्वामी जी ने भी कहा कि राधा स्वामी तरा नर रूप जगत में गुरु होए जीव चतारी, उतों आ गए वो स्थान है उन्होंने उत्थे निज दरबार लगता है उत्थे जी। संत सभी घर से आवे काल देश से जीव चितावे, इतने संत ने उस देश चो आंदे और काल दे देश तो जिया नू चेतावनी दे के सत्संग सुना के सुत शब्द दा मार्ग दस के इत्थों आके छड़ावला जी। जो चेते तिस लै पहुंचावे तुरत शब्द मार्ग बतलावे, उत्थों आके फिर की करदे ने इहनू चेतावदे ने चेतावनी दिंदे ने, जेड़ा उहदी चेतावनी जिहने मन ली उहनू छुड़ा लिया
ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਵੇਂ ਜੀ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਤੇ ਜੀਵ ਚੇਤ ਜੋ ਮਾਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਕੂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਮਾਰਗ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਿੱਤ ਮੰਡਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਪਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਸ ਨਿੱਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮਨ ਬਚਨ ਕਰੋ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਕੀ ਤਾਰੋ ਰਹਿਣੀ ਬਈ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਤੂੰ ਮਨ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਕਰ ਸੁਰਤ ਨਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੜ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੋਲੀ ਫੋਕੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਤੂੰ ਬੈਠ ਔਰ ਵੇਖ ਔਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਉਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲਾਚਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਸਤ ਸੰਗ ਕਰੋ ਗਾਓ ਗੁਰ ਰੰਗ ਸੁਰਤ ਚੜਾਓ ਗਗਨ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਓ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਨ ਲਾਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਕਰਨੀ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਮੰਨੋ ਔਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਓ ਸੁਰਤ ਕੋ ਗਗਨ ਚੜਾ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇਹ ਤੋਂ ਸੁੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੋਡਾ ਡੁੱਬਦਾ ਮੇਰਾ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਦੋਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਤ ਦਇਆ ਕਰੀ ਵੇਦ ਬਤਾਇਆ ਗੂੜ ਅਬ ਸੁਣ ਜੀਵ ਨਚੇਤ ਤੋ ਜਾਣੋ ਅਤਿ ਮੂੜ ਬਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਗੂੜਾ ਭੇਦ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਮੂੜ ਹੈ ਮੂਰਖ ਹੈ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਗਰ ਤਾਰਾ ਅਗਮ ਘੇਵਟਿਆ ਗੁਰਪੂਰ ਨਾਵ ਬਣਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਚੜ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਸੂਰ ਹੁਣ ਪਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਵ ਬਣਾ ਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੁਲਦਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਘਰੇ ਲੱਗਾ ਕੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਬੈਠੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਨੇ ਥੋੜਾ ਝਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਭੱਜਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਧਰੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਗਨ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਤ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਸਾਤੇ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਗਰੰਟੀ ਸੋ ਇਹ ਜੀਵ ਡਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਡਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰਿਆ ਤੂੰ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਅਪਾਰ ਹੈ ਪਲਟੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਜਗ ਜਗ ਕਹਿਤੇ ਜੁਗ ਭਇਆ ਜਗਾ ਨਏ ਕੋ ਬਾਰ ਜਗਾ ਨਏ ਕੋ ਬਾਰ ਸਾਰ ਕੋ ਕੈਸੇ ਪਾਵੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬੜੇ ਉੱਤਮ ਭਾਗ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕਿਤਨੀ ਦਇਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਬੀਤ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਆਇਆ ਤੇ ਗਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਸੀ ਜਾਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਜਨਮ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਬਥੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗਾਂ ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਤ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਅਬ ਤੋਂ ਛੋੜ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਉਹ ਆਦਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦਾ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਉਹੀ ਕਹੀ ਕੁਆੜੀ ਬਈ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਮੰਨ
सज्जना बहुत चेर चेर हो गया, उन्हें मैं नहीं शर्मा दी, मैं तेन की कहाना जो पुत्र कहना नहीं मानता तो प्यो आता मैं हूं मैं नहीं शर्म आँगी मेरे मुंह से दाड़ी है तू तो मानता नहीं भी मैंने शर्म मैं तेन ये दशा साड़ी हुई सही हो तो कोई गल नहीं पर ना संता ने प्योर ट्रुथ वो कह के सानू बिल्कुल नरोल सच सानू कह के चेतावनी दी कि तू बच जा आ जा मैं तेनू अपने देश लैके जाना तेरी सुरत जागे नहीं तेन जुगो जुग बीत गए जी जगन को वार सार को कैसे पावे सुगत जुग जुग भय संत बिन कौन जगावे कोई संतां तो बगैर तेनू कौन जगाऊ तेनू जुगो जुग सुते पै नू बीत गई तेनू किसी ने हलाया नहीं हलूणिया नहीं कहंदे प्यार है जिवें तेरी मर्जी असीं तेनू उठाउंदे सूरज चढ़दा छिप जांदा ये पिया दा पिया ही है कहंदे तेनू संतां तो बगैर किने जगाउणा भागा नाल आए होए तू उन्हां दा वचन मन जाग ते उठ के अपनी सुत नू संभाल इत्थे चौंकड़ी मार आ और संतां दे दर्शन जाके सतगुरु जिथे बैठे ने विराजमान जिथे ने जिथे झोलियां भरदे ने अमृत वर्षा दी उठ चल जाग पा जी पड़े भरम की मैं बंद से कौन छुड़ा जे को कहे विवेकता की नैक नवा जे को विवेक की गल करदा तेन चंगी नहीं लगती ते तू सुता ही पिया तुरै जाना तेन जे कोई कहना तू तो गल करना तू आना तू जा यार मैनू बहुत सत्संग सुने गए मैं लौट किसी गल तू जा जिदन मर्जी असि हूं इस दशा च बैठ रहे मैं पहले ही बेनती की गैदरिंग इस बार इतने नहीं बड़ी थोड़ी संगत है मगर लाला दिया बोरियां कोई गल नहीं स्वामी जी महाराज ने एक बार एक व्यक्ति ने सत्संग फरमाया तो दरवाजा बंद कर दो सानू एक ही बात साढ़े बागां च फर्क पिया इतनी जबरदस्त वर्षा हो रही है अज ब्यास ते दिल्ली ते और जगह ते सन इतनी अपना खून साड़ साड़ के भी एदा सोचते ने पर स्वार्थ के कारण आवे ना मोहे लाज कहिंदे मैनू लाज नहीं आउंदी क्योंकि मैं तेरा स्वार नहीं लगया है होर गल तां कोई गर्ज नहीं जी तुलसी पंडित देख सो सब भूला संसार जग जग कहते जुग भये जग मये को बार कितने ग्रंथ हम चार वेद ब्रह्मंग रचे चार वेद ने छह शास्त्र ने नौ व्याकरण ने पढ़ी गया तू पर जागया ना तेरी सुरत सुती रही संतां बगैर तेनू किसे ने नहीं चार अठारह नौ पढ़े खट फट पढ़ खोया मूल सुत शब्द चीने बना जो पंछी चंडूल चंडूल पंछी नकल कर लें कोई जानवर किमें बोलता हो जी बोली बोलना असी चुंच ज्ञानी जड़े हैं बोलते हैं जादर की बुकल भी मार ली बह गए कर ला गए गल मगर सुरत इतने जानती नहीं तो की बनया कहना तेरा जाग ही नहीं आत्मा जो जाग भी तेरे मस्तक पर नूर चलकू तेन आपे पछाण लेंगे तेन लौट नहीं किसी गल की तू अपने आप अपनी सुरत न किसी ने जगा अपनी सुरत न जगाना बहुत अच्छा है तू अपना आप सरदार बहादुर के आत्म ज्ञान के वचन फरमाया उन्होंने कि किसी जगा जगाण वास्ते इन्ना उद्यम करने की लौड़ नहीं तू अपना आप जाग के वाद गुरु महाराज के श्लोकों के आंदा कि ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਖੇਤ ਤੇਰੇ ਉਜੜ ਰਹੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਉਜਾੜ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਬਿਨ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮਾਰੇ ਜਾਏ ਜੁਗ ਜੁਗ ਮਾਰੇ ਜਾਏ ਖਾਏ ਫਿਰ ਜਮ ਕੀ ਲਾਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਜਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ जो तू जागेगा नहीं जम दिया जुतियां तू खाएगा जुग जुग मारे जाए खाए फिर जम की लाते
ऐसे मूर्ख लोग चले वाही के साथी। इतनी छित्र पै रहे तो वेख रहे दूजे नु वेख कि एदिया टट्टिया पेशाब निकल गई मौत आई। जो मौत ने विखाली दी ए बुरी हालत क्योंकि जाड़ थले दब लैंदा हो जम कहिंदे इक दी हालत हो रही है मगर उसे दे मगर फिर जा रहे दूजा भी कोई संत दयाल की कोई गल सुनदा नहीं उसे दे मगर जा के ओदियां लत्तां खा रहे ने। सुन सुन कथा पुराण जान कर जन्म बिगारा सिमरत शास्त्र वेद काल ने किया पसारा। कोई सिमरता नहीं सिमरतियां दी कथा सुन ली शाम नु कट्ठे होके बह जांदे ने वी आ कथा सुनाए कथा कहानियां दी लग गया जुगो जुगी लग्या रहा। जो संत दी कोई कथा सत्संग आउंदा उत्थे नहीं ने जाना। इस तरह कहिंदे सारा संसार ही बिगड़ गया मर गया इसे गल दे विच उल जुल के मर गया। इन्हां नूं पता नहीं लग्या वी जम ने जाल पछा साडे वास्ते सानू मारन लई सानू पछाण लई सब कुछ रचा है। कोई देवी दे भज्जिया फिरदा दसम पातशाह ने कहा कोई पछा को पूजित है पशु कोई कोई मृतान को पूजन पायो कूड़ क्रिया में उर्जो सभी जग श्री भगवान का भेद न पायो। कोई पश्चिम वाले पासे नु सिर नुआंदा कोई चढ़दे वाले पासे नु सिर नुआई जांदा कहिंदे सब पशु ने उस भगवान का श्री भगवान का भेद न पायो। तो पता ही नहीं लग गया जी श्वास रूपी पूंजी भी खत्म हो गई। तुलसी सत संग संत बिन सिर पर थे खाए सतगुर दीन दयाल बिन जुग जुग मर जाए। उस दीन दयाल सतगुरु दे सत्संग तो बगैर सब कहते मारे जा रहे युग युग मारे। एक कोई दस बीस पचास सौ साल की गल नहीं तो युग युग ही कहता उन्होंने युगो युग ही मारे जा रहे क्योंकि राह मिल नहीं रहा। सतगुर के वचन के प्रतीत नहीं वो वचन मानता नहीं उसकी साध संगत की सेवा करता नहीं इस करके निष्फल जीवन जी। शब्द शब्द सब कहते हैं शब्द सुन के पार शब्द सुन के पार सार सोई शब्द कहावे। उन शब्द शब्द सब कहने ले कोई अखरा नु शब्द आखी जाना ये तुरकी बाणी आई जिन सगली चिंता मुताई भी तुरों आई ओ सिलेशियल म्यूजिक कहते शब्द शब्द सब कही जाते पर शब्द की सार ना जानी शब्द सुन के पार सुन के दसवें द्वार तो परम जड़ा आ रहा वो सार शब्द तो हो है। जब तक उत्थे नहीं चढ़ते मन तो आत्मा आजाद नहीं होंगी इतने नहीं जाते उतनी देर। शब्द जड़ा अक्षर है वो अक्षर नहीं बावन अक्षर त्रै लोग सब कुछ इन ही माए ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमें नहीं। भाई ये अक्षर होंगे तो फिर संतों नूं ये गल कहन की जरूरत की सी। वेदा में जिक्र आया नाद नाद करके क्या है नाद का जिक्र आया नाद की है जिहड़ा सिलेशियल म्यूजिक अंदरों आवाज आ रही मस्तक दे विच उहदा नाम है अक्षर पढ़न का नाम नहीं है। जग मर्जी कढ़ के पढ़ के देख जी शब्द सुन के पार सार सोई शब्द कहावे पश्चिम द्वार के पार पार के पार समावे। उनकी निशानियां दसी जांदे ने संत जिथे शब्द दसी सार शब्द जावांगे दसवें द्वार च चढ़ांगे कहिंदे पश्चिम द्वार वो जिहड़ा उपर नूं रस्ता खब्बे पासे मिलेगा वो फिर शब्द दे विच समाएगा जिहड़ा सचखंड च आ रहा उदन चढ़ाई करा दे साथ ले जाता है जी। दो दल कमल मझार मध के मध में आवे संतन दिया लखाए सार कोई शब्द कहावे। सार शब्द दो दल कमल उत्ते कमल पे दो पंख दिया ने जो ये महासुंदर जिक्र सीता ने किया स्वामी जी ने कहिंदे उत्थे जदों जाओगे तुहानूं पता लग जू सहज और अचिंत दीव दे विचकार दी जदों जाएगा उदो तेनू पता लगू कि सार शब्द विच हुण मैं समाया किस तरह। सार शब्द दसवें द्वार च उदू पहला शब्द जिहड़ा मिक्सचर है उहदी त्रिकुटी भी है पहले स्थान का शब्द भी है इस करके सार शब्द उदो आएगा जदों असीं दसवें च चढ़ जावांगे। ठीक
तुलसी सत सत लोक से कहूं कुछ भेद निकार। शब्द शब्द सब कहते हैं शब्द सुन के पार। भाई मैं विचार करके ग्रंथा पोथियां जो अपने तजर्बे कुछ तेन निचोड़ कट के दस दिता। शब्द सुन के पार, उस शब्द जाके सुना, दसवें द्वार तो उपर चढ़ना। असि अजे दसवां तक इथे भी नहीं आया सी। ऋषि मुनि इथे आके कहन लग गए सत लोग सत लोग खड़ाई ते लग गए कहन। उदू गां रस्ते नहीं मिले क्योंकि तो पूरे गुरु की वड्याई है। उन्हें सामने बिठा के अंदर सुरत में ज्यों चढ़ाया ज्यों खिंचया। उसके मस्तक ते मौत के समय च वेखो वो जरा सतगुरु की चटाई हुए रूह उसके मस्तक ते झलकां पैंदियां जी। सतपुरश तुम सतगुर दाता, सब जीवन के पिता माता, दयादार अपना कर लीजे, कौन जान दे सतयुग त्रेता द्वापर गीता, कहूँ न जानी शब्द गीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द सुखाई, जीव काज स्वामी जग में सागर से पार गए, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सतनाम सतगुर गत सीना, जगमग जोत ओत जिया, गगन दोत पर चमरनिहा, सेत सिंहासन चतर विराजे, अनाद शब्द गैब धुन गाजे, छाया चरने लोक पुखमा, चरण शरण दी देव लोक अलोक कर जोड़ी, हर जसुनो